नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हक एंड कुरे सॉफ्टटेक में स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कीवर्ड और आइडेंटिफायर वगैरह के बारे में जाना था और इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कमेंट के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, सी प्रोग्रामिंग की बैकबोन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल मतलब वेरी प्लस एबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपके वैल्यू को वेरी कर सके, वेरी करने की एबिलिटी उसमें हो। वेरिएबल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे एलजेब्रा बीजगणित में होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a और b कुछ ना कुछ वैल्यू को कंटेन कर सकती हैं और a और b की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। और हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो जैसे x इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, अगर a और b दोनों 1 हैं तो x की वैल्यू क्या हुई? 2। और a और b यानी कि a प्लस बी अगर 2 हैं, यानी कि 2 प्लस 2, तो x की वैल्यू हो गई 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि बदल रही है। अगर हम बात एलजेब्रा की करते हैं तो एलजेब्रा में जो भी वेरिएबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेटिक करेक्टर का होता है। जैसे हम यहाँ पर इस एग्जांपल में देख रहे हैं x, a, b, z, y, यानी कि सिंगल करेक्टर। बट अगर हम c प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो आपका जो वेरिएबल होता है वो एक से ज़्यादा करेक्टर का भी हो सकता है। जैसे आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं ऐड, तो इसमें हमारे 3 करेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, a, d और d। तो हम इस तरीके से वेरिएबल की नेमिंग कर सकते हैं। और वेरिएबल की नेमिंग के करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो रूल में सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो भी वेरिएबल होगा वो आपके लेटर्स को, डिजिट को या अंडरस्कोर को ही कंसिस्ट करेगा अपने पास, सिर्फ और सिर्फ इनसे ही वेरिएबल आप बना सकते हैं। दूसरा आपका रूल इस तरीके से है कि आपका वेरिएबल 31 करेक्टर तक का ही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं। और कोई भी वेरिएबल आपका किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि वेरिएबल हो सकता है ऐड, वेरिएबल हो सकता है ऐड 1, बट वेरिएबल 1 ऐड नहीं हो सकता। एक चौथी बात वेरिएबल में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी वेरिएबल को नेम दे रहे हो, वो वेरिएबल आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का मीनिंग तो कंपाइलर को पहले से ही पता है। और कीवर्ड्स क्या होता है? वही वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही डिफाइन होता है। और कीवर्ड्स 32 होते हैं, उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरे पहले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कीवर्ड को बताया है। और अब सीखते हैं कि किसी भी वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। एरिया नाम का एक वेरिएबल है जिसका टाइप है फ्लोट, यानी कि फ्रैक्शन में। तो दोस्तों, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है? बेसिकली मेमोरी में आपका एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। उस स्पेस का साइज़ क्या होता है? उस स्पेस का साइज़ वही होता है जो कि आपके डेटा टाइप का साइज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंट ऐड लिखा हुआ है, तो इस ब्लॉक का साइज़ होगा 2 बाइट। और जो इसका स्पेस का नेम होगा वो नेम होगा ऐड। इसके अंदर फ़िलहाल तो गार्बेज होगा, यानी कि ये एम्प्टी भी हो सकता है और इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है। और ये स्पेस एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस को होल्ड करता है, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी यूनिक एड्रेस पर है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं FE07, ये इसका स्पेस है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आपको वेरिएबल यूज़ करना है तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का पता होना चाहिए और पता होना चाहिए डेटा टाइप का। डेटा टाइप के बारे में अभी आपको नहीं पता, बस आपको इतना बता देता हूँ डेटा टाइप के बारे में कि वो जो कुछ भी होता है डेटा टाइप, वो आपके डेटा का टाइप रिप्रेजेंट करता है कि वो इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट है, दशमलव प्रणाली में है, या फिर करैक्टर है आपका,
इस तरीके से आपका डेटा टाइप बता देता है। और डेटा टाइप के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा मैं इससे नेक्स्ट वीडियो, और जब बन जाएगी वो वीडियो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होगा और उसके बाद वेरिएबल का नेम, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंट ऐड, यानी कि ऐड नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है इंट या फिर फ्लोट एरिया। तो जैसा कि यहाँ पर डेटा टाइप की काफ़ी बातें हो रही हैं, तो आइए डेटा टाइप के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके के डेटा टाइप होते हैं जो आपके प्री डिफाइंड होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स और करेक्टर। इंटीजर को हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी काफ़ी तरीके के होते हैं। इंटीजर होता है आपका होल नंबर्स, तो इंटीजर, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। फ्लोटिंग पॉइंट आपके रियल नंबर होते हैं, फ्लोट और डबल। और बेसिकली आपके जो पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। और करेक्टर क्या होता है आपका, नॉर्मल करेक्टर्स। तो ये थे हमारे बेसिक डेटा टाइप, और डेटा टाइप की अधिक जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन, कि अगर हम इंट लेंथ इक्वल टू 7 लिखते हैं तो जो वैल्यू है 7 वो आपकी लेंथ में इंसर्ट हो जाएगी, गार्बेज नहीं रहेगा। और ये 7 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं लेंथ के ब्लॉक में लिखा हुआ है 7। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लोट डायमीटर इक्वल टू 5.9, यानी कि डायमीटर किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, और फ्लोट टाइप की वैल्यू डायमीटर में इंसर्ट हो चुकी है। और जो थर्ड एग्जांपल लिख रहा है, कैर इनिशियल इक्वल टू ए, ए के ऊपर जो कोट्स लगे हुए हैं उनका बेहद ध्यान रखना है क्योंकि यही इसको करेक्टर बना रहे हैं। तो इनिशियल के अंदर आ जाएगा ए। अब यहाँ पर मैं दो कॉन्सेप्ट और आपके क्लियर कर देता हूँ अभी हैंड टू हैंड, कि अगर इंट लेंथ इक्वल टू 7.6 लिखा होता तो इसके अंदर 7 ही आता। अब फ्लोट डायमीटर अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता तो 5.0 आता। तो ये थे हमारे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो यहाँ पर तीन तरह के कॉन्स्टेंट्स आप देख सकते हैं, पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोटिंग और तीसरा करेक्टर। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे 25 हुआ, 0 हुआ, 10 हुआ, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, 10 10 ही रहेगा। और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इस तरह से देख सकते हैं, जैसे पाई की वैल्यू 3.14159, तो पाई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, है आपका फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट। और करेक्टर कॉन्स्टेंट क्या होता है, करेक्टर कॉन्स्टेंट वो होता है जिसमें कि आपका एक सिंगल करेक्टर ही रोल प्ले करता है, जैसे कि ए, बी। आप अगर प्लस जो ऑपरेटर है या फिर सेमीकोलन ऑपरेटर के ऊपर दोनों तरफ सिंगल कोट्स लगा देंगे तो ये आपका करेक्टर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बट अगर आप डबल कोट्स लगाते हैं तो ये आपका करेक्टर कॉन्स्टेंट में काउंट नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं स्पेशल करेक्टर कॉन्स्टेंट्स की। तो जो आपका बैक स्लैश होता है वो आपका क्या कहलाता है, एस्केप करेक्टर। न्यू लाइन के लिए /n और टैब के लिए /t, ये सभी मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सभी आपके करेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, स्पेशल करेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स की। तो जैसे कि आपके कोई भी करेक्टर्स हैं, मतलब आपके करेक्टर्स का सीक्वेंस है, तो आपके करेक्टर का सीक्वेंस अगर डबल कोट्स में है तो आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट या फिर आपका स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है। और एक यहाँ पर मैं आपको बात ये भी बताना चाहूँगा कि आपका स्ट्रिंग लिटरल जो होता है, यानी कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, इसको कंपाइलर एज अ टोकन रीड करता है और एज अ टोकन मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, और आपके टोकन को, यानी कि आपके सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को, आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करता है। तो आइए दोस्तों कुछ पॉइंट्स के जरिए हम जानते हैं कि भाई कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग है और किस तरीके के स्ट्रिंग जैसे दिखने वाले पॉइंट्स स्ट्रिंग नहीं हो सकते। तो हम पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, कोट्स लगा हुआ है और लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, तो बिल्कुल सही, ये हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि भाई दो कोट्स लगे हुए हैं और उसके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, तो ये है हमारा नल स्ट्रिंग।
तीसरे में देख पा रहे हैं कि कुछ स्पेस है और कोर्स खुल रहा है और बंद है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका, स्ट्रिंग ऑफ ब्लैंक्स, यानी कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। चौथे पॉइंट में हम देख पा रहे हैं ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि एक फार्मूला लिखा हुआ है और वो आपका कोर्स में बंद है। कोर्स में बंद होने का क्या मतलब है, आपका फार्मूला ये तो आपकी स्ट्रिंग हो गई, और स्ट्रिंग तो एग्जीक्यूट आपकी नॉर्मली होती है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि भाई कमेंट है आपका, और उस कमेंट के ऊपर आपने कोट्स लगाए हुए हैं, यानी कि आपने कमेंट को क्या बना रखा है, स्ट्रिंग, तो ये कमेंट है ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग है। कमेंट क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। और अगर कमेंट के अंदर आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो तो वो भाई हमारी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं होगी। और आगे आप देख रहे हैं कि एंड नाइदर दिस, मतलब स्पेस वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट नहीं है। सबसे लास्ट ऑफ पॉइंट में हम देखेंगे ए के ऊपर लग रहे हैं सिंगल कोट, तो सिंगल कोट आपका करेक्टर है परंतु करेक्टर स्ट्रिंग नहीं है। तो दोस्तों ये सभी था आपका स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के बारे में। आइए जैसा कमेंट की बात हुई है तो कमेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। कमेंट आपका एक ऐसा कोड होता है, वो कोड आपका कंपाइलर रीड नहीं करता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि आप कमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो आपका कमेंट रीड नहीं होता। और ये वही कमेंट है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बताया था आपके प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में। तो कमेंट आपका दो तरीके का होता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट को किस तरह से आप ट्रीट करते हैं अपने प्रोग्राम में, किस तरह से लिखते हैं, तो उसके लिए आपको बस डबल स्लैश लगाना है जैसा आप देख पा रहे हैं, और लिखा हुआ है दिस इज़ एडिशन प्रोग्राम, यानी कि आपका ये एडिशन का प्रोग्राम है, ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ। और मल्टी लाइन में क्या होता है कि एक बैक स्लैश और एक स्टार, ऐसा करके आप काफ़ी सारे लाइन्स लिख सकते हैं और फिर एक स्टार लगाकर बैक स्लैश दोबारा लगा देते हैं। इससे क्या होता है, ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि इसमें आप काफ़ी सारी लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रोग्राम का कोड ही नॉन एक्टिव रखना है, कोई दूसरा कोड चेक करना है, तो आप उसको मल्टी लाइन कमेंट में डाल सकते हैं। यह है हमारा मल्टी लाइन कमेंट का यूज़। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं इसी तरीके की वीडियोज़ बनाऊँ आपकी हेल्प के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप डिटेल नॉलेज के लिए, ये जो लेक्चर है इसकी डिटेल नॉलेज के लिए हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कमेंट डिटेल में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।